हे गाइस, अब मैं बताने वाला हूँ कुछ डार्क फैक्ट जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पर कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा, तो जिसके लिए आप लोग मुझे सब्सक्राइब करते हो तो मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो आज के दिन में ना बहुत सारे T20 लीग होता है, जैसे इंडिया में IPL, ऑस्ट्रेलिया में BBL, इंग्लैंड में T20 ब्लास्ट V100 भी होता है, साउथ अफ्रीका में South Africa 20, पाकिस्तान में PSL, श्रीलंका में लंका प्रीमियर लीग, बांग्लादेश में BPL, UAE में इंटरनेशनल T20 लीग, वेस्ट इंडीज में CPL एंड बहुत सारे लीग होता है अभी के टाइम में। एंड पर्सनली मुझे जो लगता है ना कि फ्रेंचाइजी क्रिकेट क्रिकेट को चेंज कर सकता है, मतलब कि फ्रेंचाइजी क्रिकेट ही क्रिकेट का फ्यूचर है। एंड आज के दिन जो हम देख रहे हैं कि ओवरऑल क्रिकेट डिक्लाइन ही हो रहा है, मतलब कि आज के दिन में क्रिकेट थर्ड मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स है, तो इस डाउनफॉल को ना रोकने में फ्रेंचाइजी क्रिकेट ही फ्यूचर है। तो जो बात करने वाला हूँ तो बात थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है। जैसे कि आज के दिन हम देखते हैं कि फुटबॉल में क्लब वर्ल्ड कप भी होता है, मतलब कि क्लब के बीच में एक वर्ल्ड कप होता है। फीफा को पता है कि आने वाले दिनों में क्लब और फ्रेंचाइजी बहुत ही बढ़ने वाला है, एंड फीफा भी इसके लिए क्लब वर्ल्ड कप एंड क्लब के लिए बहुत ही ज्यादा एक सटीक एनवायरमेंट फिट कर दिया है फीफा में। बट क्रिकेट में क्या ये सेम चीज आपको देखने को मिलता है? जी बिल्कुल नहीं। एंड मुझे लगता है गाइस कि क्रिकेट में भी हमें क्लब वर्ल्ड कप जैसे फॉर्मेट को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। गाइस मुझे लगता है बिजनेस जो इंडियन प्लेयर्स को बाहर के लीग में खेलने नहीं देते, तो मुझे एक प्रकार एक मोनोपोलिसा जैसा लगता है, मतलब एक मोनोपोलिसा जैसा साउंड करता है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? देखो मुझे पता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग बोलोगे कि इंडियन प्लेयर्स को इंडिया में रणजी या फिर फर्स्ट डिविजन क्रिकेट खेलने में भी इंडिया की बेहतर है, मतलब कि अगर वो प्लेयर बाहर जाकर ना खेल कर इंडिया में खेलेगा तो इंडिया में तो क्रिकेट का कितना कल्चर है, तो वो बेहतर सीख पाएंगे। मैं 100% एग्री करता हूँ इस बात को। एंड जो ए स्टार इंडियन प्लेयर है उनको भी रेस्ट मिलता है, क्योंकि हर साल वो तो देश के ड्यूटी के लिए अवेलेबल नहीं होगा, उनका भी तो लाइफ है। मैं 100% एग्री करता हूँ, बट मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। देखो आज के दिन इंडिया में ना टोटल 5 करोड़ से ज्यादा लोग क्रिकेट खेलते हैं। अगर मैं फर्स्ट डिविजन क्रिकेट प्लेयर की बात करूँ तो रणजी वगैरह जो खेलते हैं ना, अगर उनकी बात करूँ, मैं 2017 के सेंसस के डाटा लूँ तो इंडिया में अभी के टाइम में 5000 से ज्यादा लोग फर्स्ट डिविजन क्रिकेट खेलता है। एंड ये 2017 का डाटा है, 6 साल पुराना डाटा, अगर 2023 में तो ये और भी बढ़ेगा। सो नाउ यू इमेजिन आपने इस 5000 प्लेयर में से कितने लोगों को इंडियन टीम में खेलते हुए देखा, एटलीस्ट इंडियन ए टीम में खेलते हुए देखा। शायद आपका आंसर होगा 500, शायद इससे ऊपर भी हो सकता है 1000। क्या आपने 1000 से ऊपर प्लेयर्स इंडियन टीम एटलीस्ट इंडियन ए टीम में खेलते हुए देखा? तो शायद आपका आंसर होगा नो। तो शायद आपको पता चल गया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ जो फर्स्ट क्लास प्लेयर है, जो ए रेटेड प्लेयर है, उनको रेस्ट दो, बट एटलीस्ट जो प्लेयर खेलना चाहते हैं उनको तो खेलने का मौका दो। एंड ज्यादा से ज्यादा फॉरेन लीग में खेलने से मुझे लगता है कि जो हमारे प्लेयर्स के बीच में जो कॉन्फिडेंस है, जो मोटिवेशन है, वो आएगा। एंड फॉरेन लीग वो फॉर्म भी देता है कि वो प्रेशर भी देता है हैंडलिंग का, तो मुझे लगता है इससे इंडियन प्लेयर्स को काफी अच्छा बूस्ट अप मिल सकता है। तो इससे तो क्लियर है कि BCCI क्रिकेट में एक मोनोपोली एस्टेब्लिश करना चाहता है ना। तुम में से बहुत सारे लोग बोलोगे कि इससे तो इंडिया के ही फायदा होगा, BCCI का फायदा मींस इंडिया का ही तो फायदा होगा। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ। आज अगर BCCI की जगह कोई और भी बोर्ड होता, ऑस्ट्रेलिया बोर्ड होता, फिर इंग्लैंड भी बोर्ड होता ना, मैं सेम ही चीज बोलता। तो आज के दिन में ना ICC एंड स्पेशली BCCI क्रिकेट को एक प्रोडक्ट की तरह बेच रहा है। अगर तुम लोगों को मैं बोलूं कि वर्ल्ड कप का मतलब क्या होता है, तुम लोग क्या आंसर दोगे? देखो वर्ल्ड कप का मतलब होता है कि कोने कोने से कंट्रीज आकर पार्टिसिपेट करे एक वर्ल्ड लेवल पर, जहां पर वो अपने देश को रिप्रेजेंट करे, अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करे एंड अपनी कल्चर को दुनिया के सामने रखे। यही तो होता है ना वर्ल्ड कप। बट आज देखो तुम, क्रिकेट में ओनली 10 टीम के बीच में वर्ल्ड कप होता है। अगर तुम लोग इन 10 टीम में खुश हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आने वाले टाइम में और भी शायद टीम घटेगा, और भी टीम 8 होगा या 6 टीम के बीच में वर्ल्ड कप होगा। बास्केटबॉल को पकड़ कर लेता हूं, जो बास्केटबॉल अभी वर्ल्ड में सेकंड मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स है, बास्केटबॉल में भी एटलीस्ट 32 टीम्स पार्टिसिपेट करते हैं। वॉलीबॉल को पकड़ के ले लो, वॉलीबॉल में भी वर्ल्ड कप के 32 टीम्स पार्टिसिपेट करते हैं। हॉकी को पकड़ के ले लो, हॉकी में भी 16 टीम्स पार्टिसिपेट करता है एंड इसके पीछे भी बहुत सारी क्वालिफिकेशन होता है, क्वालिफायर्स होता है। एंड फ्यूचर की बात माने तो हॉकी में भी 32 टीम्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं। बीते 10 साल में हमने एक भी ICC ट्रॉफी नहीं जीता है। बीते 10 साल में आप अगर छोटी टीम को एनालिसिस करोगे ना, जो छोटी टीम्स ने भी बिग टीम्स को एक फाइट तो एटलीस्ट दिया है। पिछले साल आपने कितना मैच देखा था, जहाँ पर जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को हराया, नेदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को हराया, अनएक्सपेक्टेड थिंग्स। एंड ये चीज यही तो सिंबलाइज करता है कि छोटी टीम्स जो है वो अब इम्प्रूव धीरे धीरे कर रहा है। पिछले 10 सालों में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड ने ICC में कुछ ना कुछ ट्रॉफी जरूर जीते। जी हाँ, वो न्यूजीलैंड टीम जो 2015 की वर्ल्ड कप के लिए उन्होंने अपने रिक्वेस्ट किया था कि वो स्टेडियम को आके मैच को देखे, वो पाकिस्तान टीम जो आज के टाइम पर बहुत ही सफर कर रहा है, वो दो टीम एटलीस्ट फाइनल खेल चुका है
एंड एटलीस्ट एक बार जीत भी चुका है 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी। बट आज भी हम 10 सालों में कुछ इम्प्रूवमेंट हम में नहीं हुआ है। सोचिए इस बात को, क्यों हम नहीं जीत पाते हैं, क्यों वो लोग जीत पाते हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को छोड़ देता हूँ, वो बढ़िया टीम है, बट आप समझ के रहो न्यूजीलैंड, जब किसी भी वर्ल्ड कप शुरू होता है ना, न्यूजीलैंड का कोई बात ही नहीं करता कि न्यूजीलैंड जीतेगा ना हारेगा, लेकिन जब एंड होता है तो न्यूजीलैंड फाइनल सेमीफाइनल जरूर खेलते हैं टीम। पाकिस्तान, बीते काफी सालों में पाकिस्तान में भी क्रिकेट थोड़ा डाउन हुआ था, लेकिन PSL ने फिर से रफ्तार पा लिया एंड पाकिस्तान ने भी आज कुछ हालत खास नहीं है, बहुत ही खराब चल रहा है पाकिस्तान में। बस इसके बावजूद पाकिस्तान ने 2022 T20 वर्ल्ड कप में फाइनल में गया, क्यों हम फाइनल में जाने में सक्षम नहीं हुए। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड क्या ऐसा कर रहा है कि वो लोग हमेशा फाइनल में जाते हैं। बीते 10 साल में एटलीस्ट एक से ज्यादा बार भी ICC इवेंट्स को जीता है, क्या वो कर रहा है, क्या हमसे मिस हो रहा है, क्या हमारे पास ऑडियंस की कमी है, जी बिल्कुल नहीं, क्या हमारे पास प्लेयर्स की कमी है, जी बिल्कुल नहीं, क्या हमारे पास ग्राउंड्स की कमी है, जी बिल्कुल नहीं, क्या हमारे पास पैसा की कमी है, जी बिल्कुल ही नहीं, क्या हमसे मिस हो रहा है। तो गाइस सोचने वाला बात है, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो सभी लोग नहीं बोलेंगे इसके बारे में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखो, कंपेयर करो, अगर न्यूजीलैंड के पास, न्यूजीलैंड के पास ऑडियंस नहीं है, पाकिस्तान को कंपेयर करो, उनके पास इतना पैसा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया को कंपेयर करो, इंग्लैंड को कंपेयर करो, साउथ अफ्रीका को कंपेयर करो, तो आपको अंदाजा लग जाएगा हमारे पास बहुत ही रिसोर्सेस है, बहुत कुछ है जो दूसरे कंट्री के पास इतना नहीं है। सोचिए इस बात को, आई होप आपको कुछ समझ में आ गया होगा, एंड जो मैं बातें इनडायरेक्टली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ज्यादा ओपन नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारा लोग है जो मुझे इंटरनेशनल करके गाली देंगे, तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं बहुत सारी बातें मैं इनडायरेक्टली आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो गाइस प्लीज समझिए इस बात को एंड क्रिटिसाइज करो। कैसे करोगे क्रिटिसाइज, मेरे को सपोर्ट करो, आपकी आवाज को ना मेरे वीडियो से ऊपर उठाओ, जितना वीडियो ऊपर जाएगा इतना ही उनको समझ आएगा। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ क्रिकेट एक पॉपुलर स्पोर्ट्स बने, ग्लोबल स्पोर्ट्स बने, जो मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि इंडिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, वो चारों टीम ना किसी तरह से वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हमेशा ही पहुंच जाएगा, ये लिख के ले लो, हमेशा ही पहुंच जाएगा। बट मैं ऐसा वर्ल्ड कप देखने में इंटरेस्ट नहीं हूँ जहाँ पर ओनली 6 टीम्स 5 टीम्स 8 टीम्स ही पार्टिसिपेट करें। वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप की तरह खेलो, 20 टीम्स 30 टीम्स, इनफैक्ट 48 टीम्स खेलने वाले हैं फुटबॉल में। मैं फुटबॉल की बात छोड़ देता हूँ, फुटबॉल नंबर वन स्पोर्ट्स है। बास्केटबॉल को पकड़ के देख लो, वॉलीबॉल को पकड़ के देख लो, हॉकी को पकड़ के देख लो, बहुत सारे स्पोर्ट्स को पकड़ के देख लो। तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि वर्ल्ड कप की भी वर्ल्ड कप की तरह ही हो, कि बहुत सारी कंट्री आके पार्टिसिपेट करे, इसके बाद हम भी उन कंट्रीज हरा कर वर्ल्ड कप को जीते। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, जय।